तो मैं आज जाती हूँ विशाल मेगा मार्ट थोड़ी सी शॉपिंग करने घर के लिए। सो सारा सामान लेने के बाद बिल काउंटर पे मैंने इतनी लंबी लाइन लगी थी, तो सोचा इतने जाके कपड़े देख लूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी है, कपड़ों के बिना मेरी कोई शॉपिंग पूरी नहीं होती और हमेशा मैं कपड़ों में ही अटक जाती हूँ। सो कपड़े छोड़ के मुझे याद आया कि मेरा नंबर आने वाला है, तो मैं फटाफट से भाग के जाती हूँ, बिकॉज़ मेरा नंबर आने वाला था इतनी देर में लाइन में खड़े रहने के बाद। सो लाइन में लगने से पहले ही मैंने यहाँ पे अपनी बास्केट रख दी थी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। तो भैया अब जाके फ्री हुए थे। सो भैया अब करते हैं मेरे सारे प्रोडक्ट्स की बिलिंग। देख सकते हैं भैया सारा स्कैन करके बारकोड सारा सामान दूसरी बास्केट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो सारा सामान की बिलिंग होने के बाद मैं कराती हूँ इस सामान को पैक, बिकॉज़ ज़्यादा बहुत सारा सामान होने के बाद ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, जो उठाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसमें एक कैरी बैग भैया ने दे दिया था और दूसरा ये कार्डबोर्ड वाला बॉक्स था, तो कुछ सामान मैंने इसमें ट्रांसफ़र करवा दिया था। सो सबसे मुझे चीप क्वालिटी का इनका विशाल मेगा मार्ट का ये झोला, जिसे कैरी बैग बोलते हैं, ये बहुत बुरा लगता है। मतलब इतना फर्जी सा, इतना बेकार सा, ऐसे ले जाने में भी इतना बहुत एम्बेरेजिंग सा लगता है। एनीवे ले के तो जाना पड़ेगा, कि हाथ में तो लेके नहीं जा सकती। फिर सारा सामान पैक होने के बाद भैया करते हैं मेरा बिल चेक। चेक करने के बाद भैया इसे कर देते हैं बिल्कुल अच्छे से पैक, ताकि मुझे ले जाने में इसे दिक्कत ना हो। सो भैया इसे अच्छे से पैक कर देते हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ घर। रेस्ट करके फ्रेश होके मैं लगाती हूँ फेस मास्क, जो कि मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था। तो आपको तो दिखाना बनता है कि मैं क्या लेके आई थी। सो मैं ये फेस मास्क लेके आई थी। फिर मैं चली जाती हूँ अपने सोने।